इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। यहां पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बता दें कि हत्याकांड में ये बदमाश फरार चल रहे थे, जिनसे पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों को गोली लगी है। वही बदमाशों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताते चले, बदमाशों के कब्जे से 315 बोर के 3 तमंचे और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये पूरी घटना मथुरा के थाना यमुना पार्क क्षेत्र की है। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से। यमुना पार में दिनांक 29 को नितेंद्र भारद्वाज की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके संबंध में 5 अभियुक्तों के खिलाफ FIR हुई थी। कल एक पुलिस मुठभेड़ में कृष्णा चौधरी नामक बदमाश को गिरफ्तार किया गया था और उसके 2 साथी फरार हो गए थे। आज SOG और यमुना पार पुलिस को ये सूचना मिली कि ये बदमाश बलदेव की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर इन लोगों ने चेकिंग लगाई थी और बदमाशों की गाड़ी जब रोकी तो उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें 2 बदमाशों पे अनीस खां और गोपी को गोली लगी है और वो घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल भेजा गया है। एक बदमाश तन्नू उर्फ प्रशांत गिरफ्तार किया गया है।